आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो आप कैशबैक अर्न करते हैं वो आपके स्टेटमेंट में कब ऐड होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, आपको क्या क्या करने पड़ सकते हैं, पूरे स्टेप्स आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको मैं अपना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का पिछले मंथ का जो है स्टेटमेंट आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये मैं कैशबैक अर्न कर पाया हूँ, ये 28 रुपीज़, 9 रुपीज़, 37 रुपीज़ और 39 रुपीज़ और बहुत सारे ऐसे कैशबैक्स है जो आप साइड में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अब बात आती है कि ये जो कैशबैक्स है कब आपके क्रेडिट कार्ड में मतलब ऐड होते हैं, कब आपके जो क्रेडिट कार्ड में जो है ऐड होते हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रख लीजिए कि जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जिस डेट को जनरेट होता है, मान लीजिए मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो 15 तारीख के हर मंथ के 15 तारीख को जनरेट होता है, तो जो मेरा जो है कैशबैक जो मैंने अर्न किया हुआ होता है वो जो होता है 14 तारीख या 13 तारीख के बीच में जो होता है माइनस हो जाता है हमारे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में। अभी मेरा क्रेडिट कार्ड 15 तारीख को जनरेट होता है, लेकिन 12 या 13 तारीख को या 14 तारीख के बीच में मतलब 2 से 3 दिन पहले ही अगर आप माई एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में जाके और माई क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे मेरे जो है कैशबैक के होते हैं वहाँ पे माइनस हो जाते हैं, मतलब उसमें से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोगों के कैशबैक जो होते हैं माइनस नहीं होते हैं, बिल जनरेट होने दिन तक भी माइनस नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बिल जनरेट होने देना है। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेरा बिल जनरेट होता है 15 तारीख को जनरेट होता है और जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया ये पिछले मंथ का था, अभी जो न्यू स्टेटमेंट वो आया नहीं, नहीं तो वो भी मैं आपको शो कर देता। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 तारीख को मेरे को मैसेज आता है एक्सिस बैंक की तरफ से कि कंग्रेचुलेशन योर कैशबैक ऑफ 1183 रुपीज़ हैज बिन क्रेडिटेड टू योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड टुवार्ड्स योर लास्ट मंथ स्पेंड्स। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत की बात नहीं है, आपको बस स्टेटमेंट जनरेट होने का वेट करना है। और ये जो मतलब कैशबैक होता है अगर आप इस मंथ में स्पेंड किए हैं तो ये जो कैशबैक होता है नेक्स्ट मंथ में आपके एडजस्ट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।